हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको यूएसडी एम फ्यूचर एंड मार्जिन एम फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है। इसमें डेरिवेटिव, मैंने इसको ओपन करना है। डेरिवेटिव तीसरे नंबर पर आएगा, चौथे नंबर पर डेरिवेटिव। इसके बाद ये यूएसडी एम फ्यूचर है और ये कॉइन एम फ्यूचर है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंस और इसके बेनिफिट और नुकसान, इन दोनों के फायदे और नुकसान इसको यूज करने में है। ये यूएसडी एम फ्यूचर है। अमूमन लोग 90 और 80% लोग यूएसडी एम फ्यूचर के अंदर, मार्जिन फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। अब यूएसडी एम फ्यूचर के अंदर करते हैं जिसमें हम यूएसडीटी और बीयूएसडी यूज कर सकते हैं, या हम बाइनेंस के अलावा अगर कोई और एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो यूएसडीटी और उसकी जो दिए होंगे स्टेबल कॉइन वो यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉइन मार्जिन फ्यूचर्स के अंदर हम क्वाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा ये परपेचुअल और क्वार्टरली का क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये यूएसडी एम फ्यूचर है। हम इसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग ओपन की है। ये देख सकते हैं आप यूएसडी यूएसडीटी, इसमें मैं आप पेयर चूज कर सकता हूँ, ऑल कर सकता हूँ, बीयूएसडी चूज कर सकता हूँ, और क्या कहते हैं इससे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मतलब यूएसडी एम फ्यूचर के अंदर मुझे कोई स्टेबल कॉइन चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन कॉइन एम्स के अंदर नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास यूएसडी एम फ्यूचर आ गया और ये कॉइन एम फ्यूचर है। ये देख सकते हैं ये परपेचुअल शो हो रहा है और इसी में अगर मैं सर्च करूंगा तो क्वार्टरली भी शो होगा। परपेचुअल और क्वार्टरली का क्या डिफरेंस होता है मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा। आप ये देख सकते हैं ये परपेचुअल शो हो रहा है। अमूमन लोग परपेचुअल पे ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कोई क्वाइन हमारे पास नहीं होता। हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एक्सचेंज के साथ। इस मीन्स अगर ये मेरे मेरे पास यूएसडी है और या यूएसडीटी है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है परपेचुअल का या क्वार्टरली का। 90% लोग परपेचुअल पे ट्रेडिंग करते हैं और परपेचुअल पे ट्रेडिंग करना ठीक है। और क्वार्टरली का डिफरेंस ये है कि क्वार्टरली में आपका एक टाइम होता है जिस टाइम पे आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी और आपकी ट्रेड चाहे फायदे में हो या नुकसान में हो। मींस अगर मैंने बीटीसी क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट पे लिया होता तो मुझे 9:30 को चाहे मेरी पोजीशन प्रॉफिट में हो चाहे मेरी पोजीशन लॉस में हो, मुझे क्लोज करना पड़ता। इसी तरीके से ये एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो जिसके वो क्लोज एक्सचेंज कर देगा 12:30 को, मतलब दिसंबर की 30 तारीख को। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और आपकी पोजीशन चाहे फायदे में हो या नुकसान हो, एक्सचेंज क्या करेगा? अगर आपकी ये पोजीशन नुकसान में होगी, एक्सचेंज आपका नुकसान वाला अमाउंट डिडक्ट करेगा और जो आपकी बकाया रकम होगी वो आपके वॉलेट में आ जाएगी। इसको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग कहते हैं, परपेचुअल और क्वार्टरली। हमें क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने एक्सचेंज की डेट को फॉलो करना होगा और एक्सचेंज की डेट को हमारी ट्रेड क्लोज होगी एक्सचेंज के मुताबिक। अब आप देख सकते हैं जो बीटीसी का ये जो पेयर है, क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी हमें सितंबर की 30 तारीख को देनी है और इसका रेट 19,448 डॉलर है। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है बीटीसी क्वार्टरली का, जिसकी डिलीवरी हमने 13 दिसंबर को देनी है, उसका रेट 19,534 डॉलर है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का रेट भी डिफरेंस है। और जो परपेचुअल रेट जो चल रहा है उसका रेट 19,440 चल रहा है, 19,440 रेट चल रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वार्टरली और परपेचुअल का डिफरेंस समझ आ गया होगा। जो हमारा प्रॉफिट होता है इसके अंदर हमें स्टेबल कॉइन ही मिलता है। मतलब अगर हमारा पेयर यूएसडीटी के साथ है तो हमें यूएसडीटी मिलेगी, अगर हमारा पेयर बीयूएसडी के साथ है तो हमें बीयूएसडी मिलेगी। लेकिन कॉइन मार्जिन ट्रेड के अंदर हमें हमारे कॉइन्स बढ़ते हैं। तो इससे आप ये भी कर सकते हैं, कॉइन मार्जिन में आपको एक फायदा ऐसा हो सकता है, अभी पूरी मार्केट डाउन है, अगर आपने बीएनबी 600 डॉलर पे परचेस किया है और अभी प्राइस 270 है और अभी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप अपना जो स्पॉट का जो क्वाइन है वो आप फ्यूचर ट्रेड में लाके आप उसको मल्टीप्लाई करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। एक एक तो बेनिफिट आप क्वाइन मार्जिन से ये उठा सकते हैं कि आपका जो स्पॉट वाला क्वाइन जिसकी कीमत गिर चुकी है, आप उसको फ्यूचर के इस कॉन्ट्रैक्ट में लाके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत ध्यान रखेगा, क्योंकि अगर वो पोजीशन आपकी अपोजिट जाती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको अपना सारा फंड खोना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर लेवरेज कम लीजिएगा और अगर आपको पक्का 100% श्योर हो
जब भी आप जाके अपनी पोजीशन लॉन्ग पे या शॉर्ट पे ओपन करेगा, एनालाइज के आप कभी भी पोजीशन ओपन ना करें, जो स्पॉट में है वो आपका है, लेकिन जो फ्यूचर में आ जाएगा वो एक्सचेंज का हो जाएगा। स्पॉट का कॉइन आपका डाउन हो चुका है, उसका ये भी हाल है कि आप स्टेकिंग पे लगा दें, ये फैसला आपको करना है। आपने उसको स्टेकिंग पे लगा के अपनी पोजीशन का इंतजार करना है, या फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लेकर आके, कॉइन मार्जिन ट्रेड के अंदर लेकर आके आपने प्रॉफिट की तरफ भागना है। मैं इसमें कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। आप देख सकते हैं मेरी ये पोजीशन खुली हुई है स्टेबल कॉइन के साथ, ठीक है। अब मैं आपको कॉइन मार्जिन ट्रेड की पोजीशन खोल के दिखाऊंगा। सबसे पहले आपके पास कॉइन होना चाहिए, मतलब BNB, BTC, इथीरियम, जो भी कॉइन इधर USD एंड फ्यूचर के अंदर एक्सेप्ट हो, आपके पास वो होना चाहिए। आपने क्या करना है, अपने स्पॉट वॉलेट से USD एंड फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर करना है। हम इस वीडियो में आपको वो करना भी सिखाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं फियाट एंड स्पॉट मैंने ट्रांसफर करना है अपना BNB। आप देख सकते हैं दोस्तों BNB मेरे फंडिंग वॉलेट में है, मैं फंडिंग वॉलेट से पहले फियाट एंड स्पॉट में ट्रांसफर करूंगा, कंफर्म प्रेस करूंगा। अब मेरा फियाट में आ चुका है, फियाट एंड स्पॉट में आ चुका है। अब मैं कॉइन एंड फ्यूचर में ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। अब फियाट एंड स्पॉट से कॉइन एंड फ्यूचर में मैं ये कॉइन ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैक्स पे गया, कंफर्म कर दिया। इस तरीके से आप अपना करेंसी, अपना कॉइन जो स्पॉट के अंदर है वो आप कॉइन एम फ्यूचर के अंदर लेके आ सकते हैं। ट्रांसफर करने का तरीका भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अब मैं फिर से ट्रेड में जाऊंगा, कॉइन एम फ्यूचर पे क्लिक करूंगा। अब मैं इधर जाऊंगा, इधर से कॉइन जो BNB मैंने ट्रांसफर करके स्पॉट से फ्यूचर में लेकर आया हूँ, कॉइन एम पे प्रेस करूंगा। ये कॉइन एम पे प्रेस किया मैंने, ठीक है, कॉइन एम पे प्रेस कर चुका हूँ मैं। अब मैं BNB सर्च करूंगा, ये देख सकते हैं BNB प्रीपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि लेकिन मैं प्रीपेचुअल पे ट्रेड करूंगा क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद बनना चाहता हूँ, एक्सचेंज को मालिक नहीं बनाना चाहता। तो आप देख सकते हैं BNB BUSD पे प्रेस करूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, BNB मेरे वॉलेट में आ चुका है, मेरे क्वाइन मार्जिन फ्यूचर में आ चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लेवरेज सेट करनी है। यहाँ पे लेवरेज मैंने 4x ली, ठीक है, कंफर्म किया। वॉलेट साइज मैंने कम लिया, प्रेस कर दिया। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये BNB मेरे वॉलेट में आ चुका है और मैंने अपना लेवरेज सेट किया और उसके बाद मैंने बाय लॉन्ग पे प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं साइज काउंट हुआ है 1, ठीक है। $61 पे अगर BNB पहुंचेगा तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा, जो स्पॉट में मैं पहले से दुख में बैठा हुआ था कि मेरा कॉइन का रेट नीचे आ चुका है, उसको अब मैं USD एम फ्यूचर में लेकर आया, और अगर वो यहाँ से ऊपर चले जाता है तो मैं रिकवरी कर जाऊंगा। अगर वो यहाँ से नीचे आ जाता है और 61 पर टच कर जाता है तो मैं वो सारे पैसे लॉस कर जाऊंगा, ना मैं स्पॉट करूंगा ना मैं फ्यूचर करूंगा। तो इसलिए अपने रिस्क को मैनेज करें, और मेरी एडवाइस ये है जितना सब्र हो सके सब्र करें, ठीक है। देख सकते हैं आप लिक्विडेशन प्राइस $61, मार्केट प्राइस 278 चल रही है, एंट्री प्राइस 278.514 है, और ये अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जा रहा है, शो मारने के लिए लोग ऐसे भी करते हैं दोस्तों, ये तरीका है मेरे दोस्तों। बताऊं दोस्तों आपको USD मार्जिन फ्यूचर और क्वाइन मार्जिन का फ्यूचर समझ आ गया होगा, आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपने अभी तक फ्यूचर ट्रेडिंग का अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन पे रेफरल लिंक दिया हुआ है, अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज करेंगे आपको ट्रेडिंग फीस में 20% डिस्काउंट मिलेगा। जो हमारी फंडिंग फीस कटती है और जो हमारी ट्रेड लेते हुए फीस कटती है उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। इस वीडियो में सबसे पहले हमने क्या चीज सीखी, प्रीफ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस सीखा। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने इस वीडियो के अंदर सीखा USD एम फ्यूचर ट्रेड क्या होती है और क्वाइन एम फ्यूचर ट्रेड क्या होती है। इस वीडियो में मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बताई, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे दोस्तों तो मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसमें फायदा भी आपका है, अगर नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान भी आपका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।